आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बीजेपी और आरएसएस पर निशाना, कुछ लोग आरएसएस को देश का प्रतीक बनाना चाहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, नतमस्तक देश ने किए बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित। एमपी के हनी ट्रैप की एसआईटी में फिर बदलाव, 9 दिन में बदले 3 एसआईटी चीफ। झाबुआ उपचुनाव में घमासान, बीजेपी और कांग्रेस को अपनी अपनी जीत का भरोसा। और कांकेर में कलेक्टर से कर्मचारी अधिकारी परेशान, कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज आरएसएस को देश का प्रतीक बनाना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। हमारे देश की नींव में गांधी के विचार हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया को अहिंसा का रास्ता अपनाने की प्रेरणा दी। आज भारत जहां पहुंचा है, वह गांधी के रास्ते पर चलकर ही पहुंचा है। सोनिया ने कहा कि गांधी का नाम लेना आसान है, लेकिन उनके रास्ते पर चलना मुश्किल है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी के रास्ते से हटकर अपनी दिशा में ले जाने वाले पहले भी कम नहीं थे। पिछले कुछ वर्षों में साम दाम दंड भेद का खुला कारोबार करके वे अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं। इन सभी के बावजूद भारत नहीं भटका, क्योंकि हमारे मुल्क में गांधी के विचारों की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि आजकल कुछ लोगों ने गांधी के विचारों को उल्टा करने की कोशिश की है। कुछ लोग चाहते हैं कि गांधी नहीं आरएसएस देश का प्रतीक बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। गांधी जी नहीं बल्कि आरएसएस भारत का प्रतीक बन जाए। मैं ऐसे कहने वालों को साफ शब्दों में बताना चाहती हूँ कि हमारे देश की मिली जुली संस्कृति, मिली जुली सभ्यता और मिले जुले समाज ने गांधी जी की सर्वसमावेशी व्यवस्था के अलावा कभी कुछ सोच नहीं सकती। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती है और इस मौके पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। बापू की जयंती के साथ ही आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जयंती है और आज के दिन उन्हें भी देश श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित तमाम नेताओं ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी और शास्त्री जयंती के मौके पर आज इन दोनों ही महापुरुषों की समाधियों पर विशेष आयोजन हुए। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अलावा कई बड़े नेताओं ने दोनों ही समाधियों पर जाकर इन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह ही महात्मा गांधी की राजघाट स्थित समाधि पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे कुछ देर यहां आयोजित भजन कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पहुंचे और पुष्प अर्पित किए। इस दौरान वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे और उनके परिवार ने भी पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गांधी पद यात्रा में मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, बापू ने देश को आजादी दिलाई, वे अंग्रेजों से लड़े और देश को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर ही हम समाज को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रपति महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ पद यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस की परंपरागत टोपी पहन रखी थी। पदयात्रा जवाहर भवन से प्रारंभ होकर रोशनपुरा से मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा तक आयोजित की गई। मिंटो हॉल में पदयात्रा के बाद भजनों का कार्यक्रम हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मौजूदा दौर में जो हालात हैं, उनका सामना करने के लिए आज महात्मा गांधी की आवश्यकता है। गांधी जी के विचारों में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं था। कांग्रेस सभी को जोड़ने का काम करती है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सिद्धांतों पर चलकर ही हम समाज को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। महात्मा गांधी जी की दिशा की आपकी दृष्टिकोण, उनकी सोच, उसको हम अपनाएं। पद यात्रा में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा के अलावा कुछ मंत्री, विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस अवसर पर लोगों को कमलनाथ ने कहा कि बापू के सिद्धांत और दर्शन देश की सबसे बड़ी पूंजी है और गांधी दर्शन ही देश की बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त है। हनी ट्रैप जैसे गंभीर मामले की जांच कैसी चल रही है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हनी ट्रैप की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी में 9 दिन में तीसरी बार बदलाव कर दिया गया है।
सख्त मिजाजी के चलते एसआईटी प्रमुख संजीव शमी को हटाकर राजेंद्र कुमार को यह जिम्मेदारी दी गई है। गृह मंत्री बाला बच्चन भी इस मामले पर सफाई देते नजर आए। हनी ट्रैप मामले में जांच कर रही एसआईटी को 9 दिन में तीसरी बार बदला गया। विवादों के चलते एसटीएस और काउंटर इंटेलिजेंस चीफ संजीव शमी को एसआईटी से हटा दिया है। अब एसआईटी की कमान लोक अभियोजन महानिदेशक राजेंद्र कुमार को सौंपी गई है। उनके साथ एडीजी साइबर मिलिंद कनस्कर और एएसपी इंदौर रुचिवर्धन मिश्रा को टीम में शामिल किया गया है। टीम की कमान संभालने वाले राजेंद्र कुमार को यह अधिकार दिए गए हैं कि वे अगर आवश्यक होगा तो अन्य अधिकारियों की मदद ले सकेंगे। डीजीपी को एसआईटी को आवश्यक सहयोग देने का आदेश दिया गया है। हनी ट्रैप मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने 23 सितंबर को पहली एसआईटी का गठन किया था, जिसमें आईजी सीआईडी श्रीनिवास वर्मा को कमान सौंपी गई थी। इसमें कमांडेंट 25वीं बटालियन मनोज कुमार सिंह को भी रखा गया था। अगले दिन 24 सितंबर को जब तक वर्मा अपनी टीम के साथ इंदौर में प्रकरण की जांच के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया और संजीव शमी को इसकी कमान सौंपी गई और अब शमी की जगह राजेंद्र कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। एसआईटी जिनके नेतृत्व में गठित की है वो 1985 के आईपीएस अधिकारी है और डीजी लेवल के अधिकारी है, इसलिए उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है और उनके नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है और जिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो की गई है गठित वो सारे पहलुओं को कवर करते हुए जांच की जाएगी। एसआईटी गठन के दिन से ही मुख्यमंत्री कमलनाथ की नाराजगी इस मामले में साफ दिखाई दे रही थी। बताया जाता है कि 24 सितंबर दोपहर में चले घटनाक्रम के बाद पुलिस महानिदेशक ने सीआईडी के एडीजी राजीव टंडन, एडीजी एटीएस व काउंटर इंटेलिजेंस संजीव शमी को बुलाया और एसआईटी के चीफ में परिवर्तन करने पर चर्चा की। शाम को ही शमी के एसआईटी प्रमुख बनने के आदेश हो गए, मगर उनकी जांच करने की कार्यप्रणाली को लेकर नौकरशाह असंतुष्ट। झाबुआ उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में कमलनाथ सरकार के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और पूर्व जनसंपर्क मंत्री बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। झाबुआ के घमासान को लेकर भोपाल में भी नेताओं की बयानबाजी अपने चरम पर है। झाबुआ में सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और इनके अपने अपने जीत के गणित भी हैं। कांग्रेस ने जहां अपने पुराने मोहरे कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने युवा भानु भूरिया पर भरोसा जताया है। दो भूरियाओं ने झाबुआ के रण को रोचक बना दिया है। पहले कांग्रेस का गणित पीसी शर्मा से समझ लें। झाबुआ विधानसभा में कांग्रेस की लीड थी, मतलब उस समय भी कमलनाथ जी पे विश्वास झाबुआ की जनता ने व्यक्त किया था और अब जो चुनाव 21 अक्टूबर को होगा उसमें भी वहाँ की जनता, वहाँ के नागरिक पूरी तरह से कमलनाथ जी को, भूरिया जी को और हमारा जो कांग्रेस हाई कमांड है उस पर विश्वास रख करेंगे, कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी का दावा है कि झाबुआ चुनाव में बीजेपी ही जीत दर्ज कराएगी। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि जनता ने कांग्रेस को 9 महीने देख लिया है, इसलिए बीजेपी का उम्मीदवार ही जीतेगा। नरोत्तम मिश्रा को सुनेंगे तो लगेगा बीजेपी ही जीतने वाली है। झाबुआ का परिणाम तो स्पष्ट है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने नौजवान को टिकट दिया है। वो नौजवान जो जनता की सेवा युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष के रूप में करते थे और इसलिए भानु भूरिया जी की जीत सुनिश्चित है। नदी न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव पर निशाना साधते हुए कहा कि गोपाल भार्गव का यह बयान उनके राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक पतन को दर्शाता है। देश में विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं, सबका संवैधानिक अधिकार है। गोपाल का बयान उनके पार्टी की चाल और चरित्र को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के झाबुआ वाले बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। नदी न्यास अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा ने गोपाल भार्गव पर निशाना साधते हुए कहा कि ये देश सबका है, कोई किसी भी पार्टी का हो सब हिंदुस्तानी हैं, सभी को संविधान में अधिकार प्राप्त है, यहाँ सभी जाति और वर्ग के लोग रहते हैं। गोपाल भार्गव का यह बयान उनके राजनैतिक, सामाजिक और नैतिक पतन को बताता है। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि अगर जनता भाजपा को वोट नहीं करती तो क्या वो देशद्रोही मानी जाएगी। बाबा ने कहा कि गोपाल भार्गव बताएं उनके पूर्वज किस पार्टी को वोट करते थे। जिस देश के संविधान की मूल प्रस्तावना में लिखा हो हम भारत के लोग, जहां अलग अलग धर्म जाति समुदाय के लोग निवास करते हो, वहां नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिया गया बयान उनके राजनीतिक, सामाजिक व नैतिक पतन को दर्शाता है। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पार्टी का या दल का हो, वह केवल हिंदुस्तानी है और यह उसका संवैधानिक अधिकार भी है। नेता प्रतिपक्ष द्वारा दिया गया बयान देश की जनता के संवैधानिक अधिकारों का हनन भी प्रतीत होता है।
गौरतलब है कि भार्गव झाबुआ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। गोपाल भार्गव ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि यह कांग्रेस और भाजपा के बीच होने वाला चुनाव नहीं, बल्कि यह हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य चुनाव है। कांग्रेस ने गोपाल भार्गव के बयान पर नाराजगी जताई थी और चुनाव आयोग में शिकायत भी की, जिसके बाद गोपाल भार्गव पर मामला दर्ज किया गया। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अतिवृष्टि से परेशान किसानों के साथ अब कमलनाथ सरकार के अधिकारी भी अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। किसानों के गले में स्लेट लगाकर बर्बाद फसल का सर्वे कर किसानों के फोटो लिए जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने इस पर आपत्ति जाहिर की है, लेकिन अधिकारी सरकार की फजीहत कराने में लगे हुए हैं। अतिवृष्टि के कारण प्रदेश में किसान परेशान है। कमलनाथ सरकार ने सर्वे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, लेकिन अधिकारी फसल का सर्वे ऐसे कर रहे हैं जैसे प्राकृतिक आपदा ना हो, किसानों ने कोई अपराध कर दिया हो। विदिशा में तहसीलदार के फरमान से किसान खुद को अपराधियों जैसा महसूस कर रहे हैं। यहाँ किसानों के गले में स्लेट लगाकर बर्बाद फसल का सर्वे कर किसानों के फोटो लिए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सर्वे के नाम पर किस तरह कमलनाथ सरकार में अधिकारी किसानों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। गले में लिखी हुई स्लेट डालकर फोटो लिए जा रहे हैं। किसानों के पुरजोर विरोध के बाद अधिकारियों ने ये बेहुदा कार्रवाई रोकी और अपने आदेश को वापस लिया। कमलनाथ सरकार में अधिकारी रोज नए नियम लेकर आते हैं जो सरकार की फजीहत का कारण बन जाते हैं। बताया जा रहा है कृषि मंत्री सचिन यादव ने इस पर आपत्ति जाहिर की थी, उसके बाद भी अधिकारियों का यह ड्रामा जारी रहा। हुक्मरानों, आपके सुशासन में 5 बच्चियां होने पर एक महिला को परिवार वालों ने मारपीट कर बच्चियों सहित घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित महिला जब अपनी शिकायत लेकर एसडीएम के पास पहुंची तो एसडीएम ने उसका आवेदन लेने से ही इनकार कर दिया। महिला एसडीएम के आगे पीछे घूमती रही, लेकिन प्रशासन ने उसकी एक नहीं सुनी। हालांकि पुलिस ने महिला की शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। दुनिया चांद पे पहुंच रही है, लेकिन आज भी बेटियां होना लोगों को खलता है। एक के बाद एक 5 बेटियां होने पर एक परिवार ने अपनी बहू के साथ जमकर मारपीट की और 5 छोटी-छोटी बच्चियों के साथ उसे घर से निकाल दिया। बेटियां होने पर ऐसी सजा किसी को भी परेशानी में डाल सकती है। इस मामले में हद तो तब हो गई जब पीड़ित महिला न्याय की आस लेकर एसडीएम अशोक तिवारी के पास गई तो पद के अहम से भरे अधिकारी ने उससे आवेदन लेना तक उचित नहीं समझा। मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए बातें तो बड़ी बड़ी करती है, लेकिन उसके अधिकारी महिलाओं की शिकायत तक सुनना मुनासिब नहीं समझते। पीड़ित महिला अपनी बच्चियों को लेकर एसडीएम के आगे पीछे मिन्नतें करती रही, लेकिन एसडीएम साहब का कलेजा नहीं पसीजा। एसडीएम साहब के लिए ये कोई बड़ा मसला था नहीं, इस गरीब महिला के लिए किसी नेता ने भी फोन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने पीड़ित की कोई सुनवाई नहीं की। इस दुखियारी महिला और उसका साथ देने आए वकील की बातों का कमलनाथ सरकार के इस अधिकारी पर कोई असर नहीं पड़ा। वो कहते हैं कि तुम्हारे आपके लड़कियां हुई हैं, इसे हम भगा रहे घर से, और हमें लड़का की दूसरी शादी करने, लड़का नहीं हो रहा है इसे। अब बताओ, हमें 5 लड़कियां हो गई, हमें मार के घर से भगा दो, बताओ हम किधर जाइए ना। मम्मा की हमें भगा रहे, हमें सासरी की भी भगा रहे, 5 लड़कियां, अब हम किधर पे जाइए। 5 लड़कियां होने मात्र का कारण ये है कि उसको घर से भगा दिया, क्योंकि उसको लड़का नहीं हो रहा है, और इसीलिए भगाया कि तुझे लड़का नहीं होता है, तू घर से भाग, और ज़बरदस्ती इनकी बच्चियों को भगा दिया, इसको आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। और आज जब वो शिकायत करने एसडीएम साहब के यहाँ पर आई है, जनसुनवाई में आई है, चूँकि कलेक्टर साहब महोदय नहीं मिले हैं, तो एसडीएम साहब का इतना बुरा प्रभाव रहा है, उस महिला बेचारी पीछे पीछे भाग रही है, और वो रखने के लिए लेने के लिए उसका आवेदन तैयार नहीं है। जब हमने उनसे कहा कि साहब आवेदन तो लीजिए, तो कह रहे हैं आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने कहा जी इसको आप कहाँ रखेंगे, आप जी बताइए कहाँ भेजें इसको, तो वो कह रहे हैं आप अपने घर ले जाइए। इस तरह का प्रशासन,
इस तरह का कुछ कुप्रचार हो रहा है कि क्या बताया जाए, इस तरह से शासन नहीं चलता है जिस तरह से आज एसडीएम ने कहा है। उनकी मानवता किस तरह से एसडीएम की मर गई है वो आज सबके सामने दिख रहा है। पीड़ित महिला फौरी तौर पर अपने और 5 बच्चियों के लिए प्रशासन से कुछ राहत चाहती थी, लेकिन प्रशासन के लापरवाह रवैये से लगा कि समाज की तरह एसडीएम और प्रशासन भी स्त्री पुरुष के भेद करके चल रहे हैं। नौगांव थाने के लहारपुरा गांव की महिला मनोज की शादी हरिलाल से 12 साल पहले हुई थी। शादी के बाद उसकी एक एक कर 5 बेटियां पैदा हो गईं, लेकिन लड़का नहीं हुआ, जिस वजह से उसे 5 मासूम बेटियों सहित घर से यह कहकर निकाल दिया कि उससे बेटा पैदा नहीं हो रहा है। इस वजह से उसके पति की दूसरी शादी करना है। महिला अपनी पीड़ा लेकर जन सुनवाई में पहुंची थी, जहां उसे मदद तो नहीं मिली, एक अधिकारी ने उसका तमाशा जरूर बना दिया। प्रशासन से थक हार के परेशान महिला ने पुलिस अधिकारियों को अपनी पीड़ा सुनाई, तब एडिशनल एसपी ने पीड़ित महिला की फरियाद सुनी और उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। मनोज कुशवाहा नामक महिला द्वारा एक आवेदन दिया गया, उसके पति द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया है। थाना नौगांव को बताया गया कि तत्काल कार्रवाई करेंगे, जो भी कार्रवाई होगी कराई जा रही है। महिला अपने बच्चों के साथ थी तो उसको महिला पुलिसकर्मियों के साथ में थाना नौगांव भेजा जा रहा है। बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला की गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पैरों से चांदी के कड़े जब बदमाश नहीं उतार पाए तो बदमाशों ने महिला का पैर काटकर चांदी का कड़ा निकाला। हत्याकांड का पर्दाफाश होने के बाद यह खुलासा बदमाशों ने पकड़े जाने के बाद किया। ग्वालियर में बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के रामदास घाटी में एक 85 साल की बुजुर्ग महिला जुग्गो बाई की गला घोटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद जब पैर से चांदी के कड़े बदमाश नहीं उतार पाए तो उनमें से एक बदमाश अपने घर से बका लेकर आया और वृद्धा के दोनों पैर काटकर कड़े निकाल ले गए। पुलिस ने काफी गहराई से इस ब्लाइंड मर्डर की तफ्तीश की और हत्या के मास्टरमाइंड भूरा उर्फ काले खां को धर दबोचा। इस हत्याकांड में कड़े लूटने में उसके साथी जमाल खान भी शामिल था। हत्या और लूट के बाद दोनों ने एक एक कड़ा बांट लिया था। इसके बाद दोनों ने जौरा जाकर सर्राफा पवन की दुकान पर सौदा किया। कड़े की कीमत 13,600 रुपए बताई गई। बताया जा रहा है कि भूरा पहले भी चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस ने आरोपी से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और उससे पूछताछ की जा रही है। लगातार पुलिस टीमें सर्चिंग कर रही थी, आरोपी को अरेस्ट किया गया। भूरा नाम है, एक साथी इसका भी फरार चल रहा है। अभी तो उससे ये बरामद किया गया है, वो पक्का जिससे इसने महिला के पैर काटे हुए और अभी बाकी बरामद की जानी शेष है, उस पर कार्रवाई चल रही है। धार में मांडू रोड पर सामने से आ रहे ट्रक से बाइक सवार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। बाइक सवार टकराकर 10 फीट दूर जाकर गिरा। सिर में चोट लगने से मामा भांजा सहित 3 की मौके पर ही मौत हो गई। शवों को पिकअप वाहन से जिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर ट्रक चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। बाइक सवार तीनों लोग रिश्तेदार थे, वे धार के केसरपुरा से पीपली माला जा रहे थे। इसी दौरान दोपहर में उनकी बाइक धारावार फाटे पर सामने से आ रहे ट्रक से पड़ गई। इस जबरदस्त भिड़ंत में तीनों 10 फुट दूर जा गिरे। सिर में चोट लगने से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर कोतवाली पुलिस ने तीनों के शव को जिला अस्पताल भिजवाया। कोतवाली थाना प्रभारी सुबोध छत्री ने बताया कि तीनों लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई थी। ट्रक को जब्त कर लिया गया है। यूपी के पूर्व मंत्री बादशाह सिंह के बेटे के तिलक समारोह में हुई हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। नियमों को ताक पर रखकर विधायकों और पुलिस की मौजूदगी में यह हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें दुल्हन के भाई एवं भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री बाबी के पेट में गोली लग गई थी। बाबी का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। नियमों को ताक पर रखकर पिछले दिनों यूपी के पूर्व मंत्री बादशाह सिंह के बेटे के तिलक समारोह में ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग की गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। हर्ष फायरिंग के दौरान एक गोली दुल्हन के भाई और भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री ब्रजेंद्र सिंह और बॉबी के पेट में जा लगी थी, जिसके बाद बॉबी का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं ताबड़तोड़ हुई हर्ष फायरिंग का वीडियो। गौरतलब है कि तिलक समारोह में पूर्व मंत्री के पड़ाझेर स्थित फार्म हाउस पर सब चल रहा था। नेताओं, विधायकों और पुलिस की मौजूदगी में हुई हर्ष फायरिंग ने छतरपुर में पुलिस और कानून व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। वीडियो में कांग्रेस के बड़ा मलेरा विधायक प्रद्युम्न सिंह भी मौजूद थे। हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से पुलिस ने भी इस मामले में कार्रवाई करने में लापरवाही बरती।
कांकेर के कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के एक कार्यपालन अभियंता को सरेआम अपमानित कर प्रशासनिक हलके में नए विवाद को जन्म दे दिया है। अब अधिकारी कर्मचारी कलेक्टर के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कलेक्टर के पावर बहुत होते हैं, लेकिन कांकेर कलेक्टर ने तो हद ही पार कर दी। कार्यक्रम स्थल से पीडब्ल्यूडी के एक इंजीनियर को उठवा कर 5 घंटे थाने में बैठा के रखा। अब यह मामला तूल पकड़ रहा है और कलेक्टर की बदतमीजी के खिलाफ अधिकारियों और कर्मचारियों की यूनियन ने सामने आकर कलेक्टर के व्यवहार और कार्यपद्धति की आलोचना की है। यूनियन ने कलेक्टर के एल चौहान के व्यवहार को अशोभनीय व निंदनीय बताया है। बताया जाता है कि कांकेर में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रभावित ना हो, इसीलिए विभाग के अन्य अधिकारी कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारी संभाले हुए थे। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता डी राम को कार्यक्रम स्थल से कलेक्टर के निर्देश पर टीआई हाथ पकड़कर ले गया और घंटों पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा। बताया जा रहा है कि कार्यालय के नए पर्दे नहीं बदलने के बाद विवाद में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के खिलाफ यह कार्यवाही की गई। जिसकी जानकारी अभी इनके द्वारा हमको मिली है और ये चाहते हैं कि जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ इनके अधिकारी के साथ, तो उस पर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनका कहना है। तो मैंने इस बात को माननीय विधायक महोदय को अवगत करवा दिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका टीम को सीरीज के चौथे T20 मैच में हराकर 2-0 से बढ़त बना ली है। सीरीज के 2 मैच बारिश के कारण रद्द हो गए थे और चौथे मैच में बारिश के कारण मुकाबले को 17-17 ओवरों का कर दिया गया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेली जा रही महिला T20 सीरीज में सूरत में खेले गए चौथे T20 मुकाबले में भारत ने अफ्रीका के 51 रनों से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था और चौथे मैच को 17 ओवरों पर ही निपटा दिया गया। अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट पर मात्र 89 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से पूनम यादव को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।